वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर फ्रेंड्स। तो आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं फ्रेंड्स, और यह एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का मेडिकल ट्यूबर में। फिर से एक बार लाइव क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो जो ऑनलाइन है अभी प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम अपना क्वेश्चंस बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट कर सकें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लगता है नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हेलो वैष्णव जी, के वैष्णव जी नमस्ते, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेडिकल ट्यूबर में। गुड इवनिंग बाबूलाल पटेल जी, ये काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मेडिकल ट्यूबर में। तो लगता है आप सभी कोई ऑनलाइन आ चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रशांत नागेश सभी को राम राम नमस्कार। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए। गुड इवनिंग जेसिका जी। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी समय हो चुका है, 3 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन है। द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए मस्कुलर पंप, बी पंपिंग डिवाइस, सी पंपिंग मशीन एंड डी है पंपिंग मसल। चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन में से देखते हैं। द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, हार्ट्स को क्या कहा जा सकता है? तो फर्स्ट का आंसर सी दिए हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों ने। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है ए मस्कुलर पंप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द वॉल्व्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्व्स ऑफ राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट हैज़ टू पम्प ब्लड टू द वॉल बॉडी, इट हैज़ टू पम्प द ब्लड टू लंग्स, ब्लड रीचेज दिस वेंट्रिकल इन हग अमाउंट एंड डी है ब्लड रीचेज दिस वेंट्रिकल विथ एक्स्ट्रा प्रेशर। तो फ्रेंड्स सभी को गुड इवनिंग राज अंजलि जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यह है कि जो हमारा लेफ्ट निलय होता है वह मोटी होती है किसकी अपेक्षा? राइट वेंट्रिकल अर्थात राइट निलय के अपेक्षा क्यों? इसका ऑप्शन है कि यह
पंप करता है ब्लड का पूरे शरीर में, दूसरा है इसके द्वारा जो पंप किया जाता है लंग्स में, इसके द्वारा ब्लड रीचेस दिस वेंटिकल इन हग अमाउंट, अर्थात अधिक मात्रा में। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ने इसका आंसर दे दिए हैं, तो चलिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पास करते हैं। और इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, क्योंकि यहाँ से पूरे बॉडीज़ में ब्लड को पंपिंग किया जाता है लेफ्ट आट्रियम के द्वारा। तो टू का आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन लोगों ने टू का ए दिए हैं फ्रेंड्स। और आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो राइट वेंट्रिकल होते हैं उसके द्वारा पंप किया जाता है लंग्स में, जो राइट वेंट्रिकल है उसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। यस फ्रेंड्स, मैं भी जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है। पैरामेडिकल नर्स एकेडमिया, आई थिंक तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दिए हैं ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द वेसल्स विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स इज नॉन एज, तो वह कौन सा वेसल्स होते हैं जिसके द्वारा हार्ट से लेके लंग्स तक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रीनल आर्टरीज, बी पल्मोनरी आर्टरीज, सी रीनल वैन एंड डी है पल्मोनरी वैन। फ्रेंड्स एक बार मैं आप लोगों को और इसमें बताना चाहूँगा, सभी का जो आंसर आया है अधिकतर लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी आया है, किंतु आप लोगों को बता दूँ जो बी होता है, जो हर्ट्स होते हैं उसके जो राइट वेंट्रिकल होते हैं वह हर्ट्स में हर्ट्स से लेके लंग्स तक पहुंचाते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरे बॉडीज़ में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोगों को ये कन्फर्म होना चाहिए, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो जो वेसल्स का नाम बताइए जो ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाता है, किसके द्वारा? रीनल आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, रीनल वैन्स, पल्मोनरी वैन्स। तो आप सभी को फ्रेंड्स पता है जो नीलय से जितने ब्लड्स पास आउट होते हैं वो आर्टरीज के द्वारा होते हैं, और जो एट्रियम में आते हैं ब्लड वो वैन्स के द्वारा आते हैं। तो आप सभी को चलिए आंसर थर्ड का बी दिए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सी और डी भी दिए हैं, तो इसका जो जिनका आंसर नंबर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ही यहाँ से हार्ट से लेके लंग्स तक पहुँचता है। तो हेलो रोहित जी, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ने बी आंसर दिए हैं, थर्ड का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनी वेसल्स लिंक अप एंड फ्रॉम ए, बिल्कुल राज रोहित सही आंसर है। तो जो टीनी वेसल्स लाइक अप फ्रॉम ए, ऑप्शन नंबर ए आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी या फिर नर्व्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, टिनी वेसल्स लिंक अप एंड फ्रॉम ए, ऑप्शन नंबर ए है आर्टरीज, वैन, कैपिलरी या फिर नर्व्स, किससे जुड़ा होता है? हेलो नीरज जी, हेलो हिमांशु, रोहित सभी ने फोर्थ का ए दिए हैं आंसर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आंसर बी आंसर राइट है, वेंस से जुड़े होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सरकारी रिजल्ट fast.com पे आज ही मैंने इसको अपलोड किया फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट जो देखेंगे सबसे होम में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे।
तो फोर्थ का काफी सारे लोगों ने सी आंसर दिए हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द क्लॉट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स इन नॉन एज, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा क्लॉट ऑफ फॉर्म्ड इन ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हीमोफीलिया, बी एनीमिया, सी थ्रोम्बो, सी एनडी है वेरिकोस वैन। फाइव का सी थ्रोम्बोसिस। चलिए फ्रेंड्स जिन लोगों ने सी आंसर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, शायद ये मैंने गलती से रिपीट कर दिया है, तो बिल्कुल आंसर है फाइव का, सॉरी जितने लोगों ने फाइव का आंसर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ मैंने MCQs मिस्टेक वाइज 10th नंबर का आ चुका है तो यहाँ 10 नंबर आपको मिस हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 नंबर का ये है, तो इसका आंसर हम लोग देख ही चुके हैं। ओके कंचन जी, तो हर्ट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो अभी जस्ट मैंने बता दिया था, आंसर नंबर ए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, बीच में अभी 10 आ चुका था फ्रेंड्स, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ चुके हैं, तो 10 अभी 9 के बाद 10 नहीं आएगा फ्रेंड्स, 9 के बाद डायरेक्ट 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है फ्रेंड्स, तो 6 है ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण किया जाता है, सेल्स टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू सेल्स या सेल्स टू हार्ट, ऑक्सीजन कहाँ ग्रहण होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दे दिया है 6 क्वेश्चंस का, आंसर नंबर सी है लंग्स टू सेल्स, बिल्कुल जितने लोगों ने आंसर दिए हैं सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैष्णव, सुनीता, हिमांशु इत्यादि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नॉन एज, हृदय के ऊपरी दो चैम्बर्स को किस नाम से जाना जाता है, आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, अपर चैम्बर्स या फिर लोअर चैम्बर्स। बिल्कुल फ्रेंड्स जितने लोगों ने आंसर सी दिए थे बिल्कुल करेक्ट है, और फ्रेंड्स क्वेश्चंस के साथ आप लोग आंसर दिया कीजिए ताकि मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस का आंसर आया हुआ है फ्रेंड्स, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो 7th का ए काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उसे आर्ट्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द डिजॉल्व्ड फूड इज टेकन फ्रॉम, जो फूड डिजॉल्व होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, लीवर टू सेल, स्टमक टू सेल, लंग्स टू सेल या फिर हार्ट टू सेल। तो काफी सारे लोग का आंसर बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, 7 का ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिसॉल्व्ड फूड इज टेकन फ्रॉम लीवर टू सेल्स, स्टमक टू सेल्स, तो फ्रेंड्स 8 का बी दिया है स्टमक टू सेल, तो 8 का ए है लीवर टू सेल्स, डिसॉल्व्ड फूड इज टेकन फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, द लोअर टू चैम्बर्स
ऑफ ए हार्ट आर नॉन एज, तो जो हृदय का लोअर टू चैम्बर्स होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, अपर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, हृदय के नीचे जो चैम्बर्स होते हैं, निचला जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? चार कोष्ठ से बना होता है फ्रेंड्स, तो नीचे का दो चैम्बर्स को क्या कहते हैं? तो 9 का बी काफ़ी सारे लोगों का आंसर है फ्रेंड्स, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 10th पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सेल्स जनरली नॉन एज द आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडीज आर वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या फिर एंटीजेंस। तो फ्रेंड्स 9 का बी आएगा, लोअर चैम्बर नहीं कहा जाता है, लोअर चैम्बर जो होते हैं उसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, अर्थात निलय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा सेल है जिसे आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? 11 का ए, ए तो काफ़ी अच्छा आंसर है फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है 11 का ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 11 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हीमोग्लोबिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड आयरन। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, ये आंसर आप लोगों को देना है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन्स एंड आयरन दोनों का मिलकर बना होता है, कंपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 12 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप सभी ने डी आंसर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 13, ए वाइट ब्लड सेल इज टू टाइम्स ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, टिश्यू सेल या फिर नॉन ऑफ देम। यस कंचन जी बोलिए, जो आपके क्लास में लेट पहुंच पाए इसके आगे आप क्या बोलना चाहती हैं? बिल्कुल बोल सकती हैं। गायत्री जी, गायत्री जी आपका भी वेलकम है और सभी फ्रेंड्स का वेलकम है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए दिए हैं बिल्कुल करेक्ट, स्वाति आपका भी आंसर, 12 का आंसर जितने लोगों ने डी दिए उनका भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इसमें ए पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइट ब्लड सेल्स इज टू टाइम्स ऑफ ए, तो इसका जो लाइफ स्पेन किसके बराबर होता है, अर्थात दोगुना होता है इसके, वाइट ब्लड सेल्स के दोगुने किसके ब्लड सेल्स के लाइफ जो लाइफ स्पेन होते हैं वह हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, टिश्यूज या फिर नॉन ऑफ एबोव। फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने उसमें अपने स्टेटस में अपडेट्स करते रहता हूँ डेली का, आज कौन से सब्जेक्ट से आना है फ्रेंड्स।
कोई बात नहीं कंचन जी, मैंने आपको शायद तक नोटिफिकेशन सेंड भी किया था व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल्स इज टू टाइम्स ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, टिश्यू सेल्स, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों ने प्लेटलेट्स बताए हैं, तो चलिए जिन लोगों ने आंसर नंबर ए दिए हैं उनका करेक्ट है, बी और सी डी का गलत है। तो फ्रेंड्स जो इसका लाइफ टाइम्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है किसके दो भाग दो गुने के बराबर होते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके लाइफ साइकिल्स के बराबर, अगर ये दो लाइफ टाइम इसका मिले वाइट ब्लड सेल का, तब वह रेड ब्लड सेल्स के बराबर लाइफ स्पेन कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंटेंट्स वाटर अलोंग विथ इम्पोर्टेंट्स फूड केमिकल्स, सेल्स, टिश्यूज या फिर बैक्टीरिया। प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट्स वाटर्स के साथ, तो इसमें फूड केमिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं या फिर टिश्यूज या फिर बैक्टीरिया। यस रोहित जी 14 का आंसर। तो प्लाज्मा में क्या होता है फ्रेंड्स, फूड केमिकल्स, सेल्स, टिश्यूज या फिर बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। यस के वैष्णव जी, अच्छा याद आ गया खगेश्वरी जी, हाँ बिल्कुल याद आ गया, आज शॉर्ट नेम आया था फ्रेंड्स इसके वजह से आपको नहीं पहचान रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। यस खगेश्वरी जी मैंने याद कर लिया आपको आपके कमेंट से पहले, क्योंकि आप अभी के वैष्णव लिखे थे इसके वजह से मैं नहीं पहचान रहा था। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं। तो जो प्लाज्मा होती है फ्रेंड्स, ब्लड में जो ब्लड को कुछ देर तक रख देने के बाद जो सेल्स नीचे आ जाती हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाती हैं फ्रेंड्स, और अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तब उसमें जब ग्लोबुलिन्स हट जाते हैं तब उसे सीरम हम कहते हैं। तो सीरम और प्लाज्मा में इतना ही बस अंतर होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इतने लोगों ने आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मा कंटेंट्स वाटर अलोंग विथ इम्पोर्टेंट्स, प्लाज्मा में क्या होता है। तो 14 का ए दिए हैं पटेल अनुपम जी ने। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर वेट कर रहा हूं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फूड केमिकल्स, क्योंकि प्लाज्मा में ग्लोबुलिन्स इत्यादि सब पाए जाते हैं इसलिए फूड केमिकल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एलो पस इन द वुंड इज एक्चुअली, तो बिल्कुल राज अंजलि आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एलो पस इन द वुंड इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इन्फेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स। तो जो घाव में एलो पस निकलता है वह किस कारण से निकलता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है या इन्फेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लोगों ने 14 का भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आंसर आप लोग का लेट पहुंचा।
तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, जितने लोगों ने आंसर नंबर दिए हैं डी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द टास्क ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू, तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या टास्क होता है, वर्क क्या होता है, डिफेंड ए बॉडी फ्रॉम डिजीज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हील वुंड्स या रिफ्रेश हार्ट। तो बिल्कुल खगेश्वरी जी, कंचन, राज, अंजलि, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइट ब्लड सेल्स के क्या वर्क होते हैं, डिफेंड अ बॉडी फ्रॉम डिजीज, काफ़ी सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, थर्ड है हील वुंड्स एंड डी है रिफ्रेश हार्ट्स। तो आप सभी को पता है सिंपल सा क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों का आंसर था ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एलोपस, तो फ्रेंड्स इसको रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू, ऑप्शन नंबर ए आर्टरीज, बी लंग्स फ्रॉम हार्ट्स, हार्ट फ्रॉम लंग्स, डी वेन। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, रिपीट करने के लिए बोला गया था। तो वाइट ब्लड सेल्स के टास्क क्या होते हैं, तो डिफेंड ए बॉडी फ्रॉम डिजीज, तो 17 का डी फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिपीट हो चुका था इसीलिए मैंने पास कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, द ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू, तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके द्वारा, किसके द्वारा पम्प किया जाता है, पटेल जी, जय श्री राम। अब पटेल जी, मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं नेट्स के, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, मैं जहाँ अभी रहता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर तरीके से कोशिश किए हैं, यहाँ से मैंने कितनी दूरी भी गया था बट नहीं आया, तो सॉरी फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जहाँ ड्यूटी है मैं यहाँ से मतलब दूर, मैं बॉर्डर इलाका में फ्रेंड्स, MP और CG के बॉर्डर से, साथ में UP भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप UP के सोनभद्र जिला सुने होंगे और MP के ये क्या बोलते हैं सिंगरौली, ये दोनों के, और इसके बाद छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एरिया पड़ता है, तो वहीं बीच में हूँ फ्रेंड्स, और पूरा जंगली इलाका से घिरा हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ने आंसर BC दे दिए हैं, तो चलिए आंसर नंबर देख लेते हैं। तो आंसर है लंग्स फ्रॉम हार्ट। फ्रेंड्स, मेरा लैब टेक्निशियन का पोस्ट है, मैं लैब टेक्निशियन का जॉब करता हूँ यहाँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू, तो फ्रेंड्स इसका आंसर काफ़ी सारे लोग ने बी दिए हैं, बट इसका आंसर डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका आंसर बी लंग्स फ्रॉम हार्ट। ओके वैशाली जी, अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा मैं इसका भी कराऊंगा NCL के लिए भी, NCL का भी मेरे पास स्टाफ नर्स और साथ में उसका है, स्टाफ नर्स के अलावा ECG टेक्नीशियन का है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे में नेट तो है, अभी अच्छा ही चल रहा है, प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए है 120 डेज, बी है 200 डेज, सी 300 डेज एंड डी है 400 डेज। ओके अजय जी, हिंदी में भी बनाऊंगा बट काफ़ी सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती फ्रेंड्स, इसके वजह से इंग्लिश में बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो वाइट जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल आप सभी को पता है फ्रेंड्स 120 दिनों का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं जो क्वेश्चंस थोड़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ बैक्टीरिया आर टेकन ओवर बाय वाइट ब्लड सेल्स दियर लाइफ स्पेन, अगर वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा बैक्टीरिया को ग्रहण किया जाता है तो उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन सेम कि वही बना रहता है, या में इंक्रीज और डिक्रीज, या इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ओके रोहित जी, स्टाफ नर्स का कर दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में स्टाफ नर्स का लेके आऊँगा फ्रेंड्स उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यह दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि अगर बैक्टीरिया को ग्रहण करती है WBC तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा, बढ़ेगा, या फिर सेम वही रहेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने डिक्रीज बताए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है डिक्रीज होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइफ स्पेन थोड़ा कम होता है फ्रेंड्स, इसके वजह से WBC काउंट्स बढ़ जाते हैं जब कोई इन्फेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डाई एवरी डे इज, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वह कितने संख्या में रोज़ डेथ होते हैं, मरते हैं, उनका लाइफ साइकल्स, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है 100,000s, 200,000s, 100 million या फिर 200 millions, एक दिन में कितने रेड ब्लड सेल डाई होते हैं अर्थात मृत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो फ्रेंड्स इसका आंसर अब देख लेते हैं, काफ़ी सारे लोग ने दिए थे, तो इसका आंसर है 200 millions पर डे डेथ होते हैं RBC सेल। द वॉल ऑफ वेंस आर नॉट थिक एज दोस ऑफ आर्टरीज बिकॉज, तो फ्रेंड्स यह जो वेंस के वॉल होते हैं वह थिक अर्थात मोटी नहीं होते हैं आर्टरिया की अपेक्षा, क्योंकि द ब्लड इज़ द लेस क्वांटिटी, या फिर द ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड, द ब्लड इज़ लो प्रेशर्स, द ब्लड इज़ थिकर। तो फ्रेंड्स किस वजह से वेंस के जो दीवाल होते हैं वाल होते हैं वह पतले होते हैं आर्टरीज या धमनी के अपेक्षा, पहला ऑप्शन है उसमें कम मात्रा में ब्लड क्वांटिटीज होते हैं, दूसरा होता है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। किसी का एग्जाम नहीं हुआ फ्रेंड्स, एंड सी है कि ब्लड इज़ लो प्रेशर, ब्लड का जो फ्लो करने का प्रेशर है वह कम होता है, या फिर ब्लड इज़ थिकर, ब्लड थिक हो जाता है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाली।
वेंस के दीवाल पतले क्यों होते हैं धमनी के अपेक्षा? कम मात्रा में ब्लड का फ्लो होना या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होना, कारण क्या है फ्रेंड्स? तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर नंबर सी दिए हैं, तो जिन लोगों ने आंसर नंबर सी दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिड बाई, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी कौन करता है, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज या फिर नर्व्स? तो फ्रेंड्स 22 का सी जितने लोगों ने आंसर दिए हैं उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दे दिए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने बी दिए हैं, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे लोगों का कैपिलरीज आया है, तो फ्रेंड्स जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वह कैपिलरीज में नहीं, कैपिलरीज के बाद जब वह वेंस में जाते हैं, जो वेंस की सबसे छोटी होती है उसको वेन्यूल्स बोला जाता है, जैसे हम आर्टरीज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कैपिलरीज बोलते हैं, उसी तरीके से वेंस की वेन्यूल्स होते हैं। इसके बाद वेंस, वेंस के द्वारा वह पूरे हृदय से कलेक्ट कर मतलब सॉरी पूरे बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट्स तक पहुँचाया जाता है, हार्ट्स के राइट आर्ट्रियम में पहुँचता है, वहाँ से वह राइट वेंट्रिकल में होकर फिर राइट वेंट्रिकल के द्वारा वह लंग्स में पहुंचते हैं फ्रेंड्स, ऐसे एक सर्कुलेशन होता है। तो फ्रेंड्स एक क्यूबिक मिलीमीटर में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज, तो वन क्यूबिक मिलीमीटर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ काउंट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 60 लगा हुआ है फ्रेंड्स, 6 डिजिट का है, तो 1 लैक्स, 1,50,000, 2 लैक्स या 2,50,000। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड, जिन लोगों ने आंसर नंबर डी दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर नंबर में प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख। रोहित जी अभी किसी का भी डेट नहीं आया हुआ है एनसीएल का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आज हमारे 25 क्वेश्चंस आज और कल 25 क्वेश्चंस फिर से देखेंगे फ्रेंड्स। तो द डिजॉल्व फूड इज टेकन फ्रॉम लीवर टू सेल्स, स्टमक टू सेल्स, लंग्स टू सेल्स या फिर हार्ट टू सेल्स, तो इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके बाद आज का वीडियो लास्ट करूंगा फ्रेंड्स, फिर आपको मिलेंगे कल के लिए भी, बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, कल 25 और क्वेश्चन हैं। तो 25 का आंसर फ्रेंड्स आप लोग बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिजॉल्व्स फूड इज टेकन फ्रॉम लीवर टू सेल्स, स्टमक टू सेल्स, लंग्स टू सेल्स, हार्ट टू सेल्स। और फ्रेंड्स 25 का बी स्टमक टू सेल्स, तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ए लीवर टू सेल्स, क्योंकि फ्रेंड्स स्टमक में तो डिजॉल्व्स डिसॉल्व्ड फूड, तो फ्रेंड्स कल से भी 4 बजे MLT अड्डा में मिलूंगा और साथ में 6 बजे से डेली अभी। तो रोहित जी इसका एग्ज़ाम्स का डेट जब भी आएगा तो मैं बताऊंगा, और अभी एक और फॉर्म असम में आया हुआ है जो 15th
15 तारीख से आएगा फ्रेंड्स, उसका भी आज वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी का बिहार के भी कुछ क्वेश्चंस आंसर हो, बिहार में अभी जो एग्ज़ाम्स होने हैं BCECE में, तो उसके द्वारा जिनके पास भी अगर क्वेश्चन पेपर हो तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF की ज़रूरत है तो आप मेरे इस वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, sarkarirezultfast.com पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं अभी चलिए आपको दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये मेडिकल ट्यूबर का भी मैंने बहुत सारे यहाँ PDF। ओके राज अंजलि जी, मैं उसका लाइव का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट्स में आप जाएंगे तो। तो फ्रेंड्स मेरा sarkarirezultfast.com जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोडिंग ले रहा है थोड़ा, तो ये देख सकते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ आपको सामने में ही मिल जाएंगे फ्रेंड्स इस टाइप से। यहाँ इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ हाल के ही पोस्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ही जब आएंगे आप तो आपको यहाँ 3 लाइन्स मिलेंगे। 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बुक्स के भी ऑप्शन मिलेंगे, बुक्स के ऑप्शन मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ नीचे आके स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको लेफ्ट सेक्शन MPW, स्टाफ नर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर, NM, GNM, हेल्थ इंस्पेक्टर, एक्सरे, नीट से रिलेटेड। ओके स्वाति, पोस्ट बेसिक का भी करूँगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। चलिए जैसे मैं स्टाफ नर्स का आपको दिखा देता हूँ, तो स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ से स्टाफ नर्स के काफ़ी सारे नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एनाटॉमी, इम्यूनोलॉजी, यूरिन, साइटोलॉजी, न्यूट्रिशंस, सभी के यहाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर आंसर के हैं, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर का है, ऑल स्टेट एग्ज़ाम।